नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर नेट क्लब के फ्यूचर ऐड प्रो के बारे में। फ्यूचर ऐड प्रो का जो बेसिकली वर्जन 2.0 है, जो पहले हम फ्यूचर ऐड प्रो यूज़ कर रहे थे अप्रैल 2016 से लेकर के 22 जनवरी 2019 तक, उस पार्ट को हम बोलेंगे फ्यूचर नेट का जो फ्यूचर ऐड प्रो पार्ट 1। और ये फ्यूचर ऐड प्रो पार्ट 2.0 है, नया वर्जन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ्यूचर नेट की जो साइट्स हैं, सर्वर है, वो अपडेट हुए हैं। माइक्रो साइट सर्वर में पूरा का पूरा डाटा माइग्रेट किया गया है। तो उसके बाद जो नई साइट निकल के आई है, उसका नाम है फ्यूचर ऐड प्रो। फ्यूचर ऐड प्रो का लोगो भी चेंज किया गया है, जैसा कि आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हैं। तो जो नया फ्यूचर ऐड प्रो का जो एडवर्टाइजमेंट जो प्रोग्राम है, वो किस तरह से काम करेगा और उसमें क्या क्या नई चीज़ें ये लेकर के आए हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फ्यूचर ऐड प्रो में पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले जो विड्रावल चल रहा था, वो 6 टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी थी उसमें आप विड्रावल ले रहे थे। उसके बाद नेटलर, पेयर, परफेक्ट मनी, सॉफ्ट कैश और 2-3 प्लेटफार्म थे। अभी क्या हुआ है कि अगर आपको फ्यूचर ऐड प्रो से विड्रावल लेना है, तो आपको फ्यूचर कॉइन भी लेना पड़ेगा, फ्यूचर नेट डॉलर, FND मीन्स फ्यूचर नेट डॉलर, और FTO। आप फिर कॉइन डील में वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं उसको डॉलर या BTC में। तो सबसे पहले अगर आप नए यूज़र हैं, तो आपको कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर एक अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉइन डील का, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और अपना नया अकाउंट बनाएं। अगर आपने अभी तक नया अकाउंट नहीं बनाया है कॉइन डील पर, और अपने अकाउंट को कैसे बनाएं, उसकी पूरी गाइडलाइन हमारे यूट्यूब के वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उस पर देख सकते हैं कि कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर नया अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पहली चीज़। ठीक है, जो भी आप विड्रॉल लेंगे वो कॉइन डील पर लेना पड़ेगा आपको। और कॉइन डील एक्सचेंज का टाइप हो रखा है फ्यूचर नेट की टीम से, जो कि पोलैंड बेस है दोनों। तो वहाँ पे आपका जो विड्रॉल चार्ज का जो अमाउंट है, वो काफ़ी कम कटता है वहाँ पे। ठीक है, अगर ब्लॉकचेन में पहले लेते थे तो काफ़ी चार्ज कटता था। तो सबसे पहले आपको कॉइन डील एक्सचेंज पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे वेरीफाई करवाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जिस ईमेल आईडी से आपने फ्यूचर नेट में अकाउंट रजिस्टर किया है, उसी ईमेल आईडी से आपको कॉइन डील के ऊपर अकाउंट बनाना है, और सेम नाम, ओरिजिनल नेम से। सारी चीज़ें आपकी दोनों जगह मैच होनी चाहिए, फ्यूचर ऐड प्रो के अकाउंट पर भी और कॉइन डील के अकाउंट पर भी। कॉइन डील का अकाउंट को आपको वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार कार्ड अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, और कोई एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल्स वगैरह अपलोड आपको करना है। उसके बाद आपका कॉइन यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, कॉइन यहाँ पे पेयर करना है आपको फ्यूचर ऐड प्रो के साथ। तो पहला जो स्टेप है उसमें यह दिया गया है कि आपको कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना है। सेकंड का ये है कि सेकंड जो स्टेप आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिया गया है कि पर्सनल जो भी डिटेल्स हैं आपकी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, ईमेल्स, आपका सेम होना चाहिए कॉइन डील अकाउंट पर भी और फ्यूचर ऐड प्रो के अकाउंट पर। थर्ड है इसमें, फिर उसके बाद आपको अकाउंट को कैसे पेयर करना है, उसके बारे में आपको दिखाया गया। जब आपका अकाउंट फ्यूचर ऐड प्रो पर और कॉइन डील पर पेयर हो जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ से अपना मनी निकाल सकते हैं, विड्रावल ले सकते हैं कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो जो पेयर है, पेयर अकाउंट करने के लिए सबसे पहले आपको फ्यूचर ऐड प्रो के प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एक ईमेल आपको लिखना है। जैसे आप वहाँ पे ईमेल लिखेंगे और कॉइन डील आपने अकाउंट सेटअप कर लिया है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई अकाउंट, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉइन डील के अकाउंट पर ले जाएगा। जिस तरह से ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे फ्यूचर ऐड प्रो के अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, लेफ्ट साइड प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट जो बॉक्स दिखाई दिया गया है, पेयर योर अकाउंट योर ईमेल ऑन कॉइन डील एक्सचेंज, जो ईमेल आपने कॉइन डील एक्सचेंज पे रखी है, सेम ईमेल आपको यहाँ पे टाइप करना है, और वो ईमेल ऐड प्रो में कॉइन डील एक्सचेंज में सेम होनी चाहिए। उसके बाद आपको गेट टोकन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप गेट टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपका कॉइन डील पे अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको टोकन का एड्रेस वहाँ पे, नई विंडो ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे आपका एड्रेस है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप, इस जैसे आपका अकाउंट पेयर हो गया तो अभी आप एलिजिबल हो अपना अमाउंट निकालने के लिए, विड्रॉल लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्मार्टफोन। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ करते हैं कॉइन डील और ये फ्यूचर एड प्रो का अकाउंट, तो फर्स्ट स्टेप आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, गूगल ऑथेंटिकेटर, वो एक सिक्योरिटी फीचर्स है, ठीक है। तो सिक्योरिटी में आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आप जब भी आप उसमें लॉगिन करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ उसको क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तो वो आपका लिंक हो जाएगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर में 6 डिजिट का एक कोड आएगा, वो कोड आप डालेंगे तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स है, आप टाइप कर सकते हैं अपने एड प्रो के अकाउंट के साथ। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन फॉर पीसी, ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर पीसी। पीसी के लिए भी सेम चीज़ है, क्यूआर कोड फ्यूचर एड प्रो की सेटिंग में जाइए, आप गूगल ऑथेंटिकेटर सेटिंग में जाइए और क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। उसके बाद जो आपको यू विल फाइंड ए सीक्रेट कोड, एक जो कोड मिलेगा, तो उस कोड को आपको गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर एडिट प्लस साइन और एंटर करना है, और उसके बाद आपको जो अकाउंट है उसका नाम भी रखना है वहाँ पे। और थर्ड पार्ट में आपको जो जीए कोड मिलेगा, जो ऐप के द्वारा गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मिलेगा ऐप के द्वारा, वो उसमें आपको टाइप करना है और आपका अकाउंट वहाँ से पेयर हो जाएगा। यानी कि आप एड प्रो का अकाउंट अगर पीसी में यूज़ कर रहे हैं, जब पीसी में आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने से पहले आपका गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर एक 6 डिजिट का कोड आएगा, वो कोड अगर आप डालेंगे तभी आपका लैपटॉप या पीसी के ऊपर अकाउंट लॉगिन हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट, तो जो आप देख रहे हैं फ्यूचर एड प्रो का जो नई साइट्स है उसका जो विंडो है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट वेलकम है, सेकंड पार्ट में आपको नंबर ऑफ एड पैक दिखाई दिए जाएंगे, लेफ्ट साइड में 50 FND। FND का मतलब यहाँ पे होता है फ्यूचर नेट डॉलर, दैट इज़ इक्वाइवेलेंट टू $1, 1 FND इक्वल टू $1, ठीक है। तो ये फ्यूचर नेट डॉलर की करेंसी को यहाँ पे बोला जाता है फ्यूचर नेट डॉलर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ इक्वल टू डॉलर। तो लेफ्ट साइड में 50 के 9 और इसमें 3, ये एक डमी अकाउंट दिखाया गया है। जैसा कि थर्ड में जो टोटल FND वाउचर है, जो आपकी टोटल अर्निंग है, वो दिखाई जाएगी FND वाउचर के रूप में, फ्यूचर नेट डॉलर वाउचर के रूप में। और नीचे टीम आपका स्ट्रक्चर रहेगा, और उसके बाद क्वालिफिकेशन रहेगी जो एज़ पर यूअर स्टेटस। और जो इधर आप देख रहे हैं इस तरफ माई प्रोफाइल एडवर्टाइजमेंट क्रिएट एड माई एड पैक्स में, आप एड पैक्स व्यू कर सकते हैं, बाई एड पैक कैसे, एड पैक आपको बाई करना है, और बाई एड व्यू वॉच, और लेफ्ट साइड में लैंडिंग पेज बिजनेस सपोर्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको दिखा रखा है यहाँ पे जो नई एड प्रो है। उसके बाद हाउ टू बाई एड पैक, आपको एड पैक कैसे बाई करना है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अकाउंट को यूज करते हुए एड पैक बाई करने हैं, और जो एड पैक बाई करने का साधन है वो फ्यूचर कॉइन है। डायरेक्ट आपको कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको FTO यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, FTO से FND बाई करना है, FND यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं इस यहाँ पर बाई एड पैक के ऊपर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको ओपन होगी, और जो यहाँ पे दिखाया गया है नंबर ऑफ एड क्वान्टिटी ऑफ एड पैक, यहाँ पे 1, 2, 3 करोगे तो उसके हिसाब से जो अमाउंट है नीचे वाली रो है यहाँ पे, इसमें अमाउंट दिखाई देगी। और उसके बाद बाई एड पैक के ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे बाई एड पैक के ऊपर तो इस तरह से आपकी जो विंडो है वो ओपन रहेगी, ठीक है। इतना अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है, बाय व्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आपको कैसे व्यूज बाय करने हैं उसके बारे में दिखा रखा है, और इसका जो एड पैक कैसे बाय करते हैं इसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसमें एड पैक कैसे बाय करते हैं, व्यू कैसे करते हैं, ऐड कैसे देखते हैं, तो इसके अलग अलग जो वीडियो है आप हमारे चैनल पे देखना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू बाई सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन बाई करना है। इसमें क्या दिखा रखा है कि जैसे आपके पास एड पैक आपने बाई कर लिए 20 एड पैक, तो आपका फ्री है। 20 से ज़्यादा अगर आप एड पैक बाई करते हैं, 40 एड पैक बाई करते हैं, तो आपका 6 महीने में आपको 16 FND देने पड़ेंगे, और 1 साल में 30 FND। यानी कि आपके जितने नंबर ऑफ एड पैक ज़्यादा बाई करते जाएंगे
तो मंथली आपको सब्सक्रिप्शन भी करना पड़ेगा, लाइट मीडियम एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है। और इस तरह से अगर आपके पास 200 एड पैक है तो आपको महीने का $12 यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास 400 एड पैक हैं तो आपको $16 पर मंथ देना पड़ेगा। इस तरह से ये जो नई चीज़ है ये इसमें चेंज की गई है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एड पैक आपके पास होंगे, 20 से 40, 40 से 60, उसके हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन मंथली देना है। जैसा कि पहले हम देते थे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल की इनकम और फिफ्थ लेवल की इनकम पाने के लिए, अब वहाँ पर कुछ नहीं देना आपको। अब यहाँ पे आपके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एड पैक बढ़ाए जाएंगे आपके द्वारा, तो यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन देना है। और जब आपकी टीम बिल्डअप होगी वहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये चेंज किया गया इसके अंदर मेजर, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आपके एड पैक होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, 120 होंगे, 200 और 400, ये पांच प्रकार के हैं, 20, 40, 200, 120, 200, 400। तो इस प्रकार से इतने नंबर ऑफ़ एड पैक जब जब आपके बढ़ते चले जाएंगे तब तब आपको मंथली सब्सक्रिप्शन ये देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाउ टू बाई कोड। हाउ टू बाई कोड का जो वीडियो है हम आपके लिए अलग से बनाएंगे, तो इस वीडियो में मैं अगर आपको समझाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हाउ टू चार्ज योर अकाउंट, ये अकाउंट को कैसे चार्ज करना है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रिएट योर एड, हाउ टू क्रिएट योर एड में भी प्रैक्टिकली जैसे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है, एक ऑप्शन है नीचे जैसे, उसके ऊपर आपको क्रिएट एड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी, जो आपका लिंक है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट टाइटल, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है और सेंटर में कुछ 120 वर्ड हेडिंग लिखना है, यहाँ पे यूआरएल लिंक डालना है और नीचे जो है आपको सेलेक्ट करना है जेंडर एज ऑल, ठीक है। और उसके बाद आपको व्यू सेलेक्ट करने के, आपको कितने व्यू चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है इसमें, तो आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएंगे, आपके कितने व्यू बचे हुए हैं, बाई व्यू, बाई एड पैक, इस तरह से, और पर्टिकुलर कंट्री का व्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू एडिट योर एड्स, ये एड से रिलेटेड है, इसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये सेम प्रोसीजर है जो एडवर्टाइजमेंट का, जैसे कि फ्यूचर एड प्रो का जो पुराना वर्जन था जिसमें ऐड को कैसे प्लेस करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि ऐड को आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको मैनेज ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके द्वारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ टू एडिट योर ऐड, सेम चीज़ इसमें भी। कमीशंस, कमीशंस के लिए जो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं बिजनेस के नीचे एक ऑप्शन होगा, कमीशंस पे आप वहाँ पे क्लिक करेगा, जितने एड पैक आपने बाई कर रखे हैं कि जितने एड पैक के ऊपर आपने कितना रन कर लिया एक एड पैक के ऊपर, तो उसके हिसाब से आपको कमीशंस यहाँ पे दिखाया जाएगा। टोटल वाउचर्स, कमीशन अर्न फ्रॉम एड पैक और कमीशन अर्न फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तीन तरह के कमीशन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टीम, और जो टीम का साइज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पांच लेवल की जो टीम है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और अभी जो टीम की स्ट्रक्चर है वो 10 लेवल की कर दी गई है, ठीक है। पहले आपको जो कमीशन है वो 5 लेवल का मिलता था, अभी आपको 10 लेवल तक का कमीशन मिलेगा, 1-1%, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, चेंज किया गया है कि पहले लेवल का कमीशन आपको एक डायरेक्ट मेंबर अगर आप ज्वाइन करते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल एक होता है आपका, तो दो लेवल तक का कमीशन मिलेगा और मंथली फ़ीस नहीं देनी उसमें भी, पहले मंथली फ़ीस होता था, ठीक है। सेकंड में जो है टू डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो आप चार लेवल तक इनकम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और थ्री डायरेक्ट स्पॉन्सर होने पर आपके 6 लेवल तक की इनकम मिलेगी, 1-1%, ठीक है। और 4 डायरेक्ट मेंबर होने पर 8, और 5 डायरेक्ट मेंबर अगर आपके हो गए तो आपको 10 लेवल तक 1-1% मिलेगा। और मंथली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, और मंथली सब्सक्रिप्शन आपको नंबर ऑफ एड पैक के ऊपर देना पड़ेगा, 20, 40, 120, 200 और 400, उसमें रेस्पेक्टिवली सेम आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट होगा, आपको मंथली पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू मेक ए पे आउट क्रिप्टो करेंसीज। तो दोस्तों जो पे आउट है वो आपको यहाँ से
जो क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हैं, चार क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, फ्यूचरो कॉइन, लिट कॉइन, और मिनिमम विड्रॉल 500 है। ठीक है, ये चार प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पे आपको मिलेंगे, इनमें आप अपना पे आउट ले सकते हैं, फ्यूचरो कॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन, लिट कॉइन। ठीक है, और पे आउट कैसे लेते हैं उसको भी हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट है हाउ टू मेक पे आउट। अब पे आउट जब आप लोगे तो सबसे पहले एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल अकाउंट में, उस ओटीपी को आप वेरीफाई करोगे यहाँ पे। ठीक है, यू विल रिसीव एन सेकंड ईमेल विद कंफर्म और डिक्लाइन द लिंक। दो ईमेल जाएंगे, पहले पे ओटीपी, दूसरे पे लिंक। तीसरे स्टेप पे आपको ईमेल वेरीफाई करोगे, वो कोड होगा, वो कोड आपको कन्फर्मेशन फील्ड में डाल के एक्सेप्ट करना है। फिफ्थ पे आपको फ्यूचर एड प्रो में पे ऑर्डर डालना है, और चौथे पे जैसे ही आपका कन्फर्म हो जाएगा तो अगेन आपको ईमेल आएगा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसमें, काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है एफएनडी रिडेम्पशन। ये आपका जब जब आप पे आउट निकालेंगे उसकी हिस्ट्री है इसमें। ठीक है, हिस्ट्री दी गई होगी, तो आशा करते हैं कि आपको दोस्तों ये वीडियो फ्यूचर नेट का फ्यूचर एड प्रो 2.0 का जो वर्जन है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो फ्यूचर एड प्रो के जो सेकंड वर्जन है इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस किए गए हैं जो कि हम वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप नए मेंबर हैं हमारी टीम के साथ, इंटरनेशनल टीम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप ज्वाइन कीजिए। आपको जो हमारी टीम है उसके अंदर जो फ्यूचर नेट की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, और सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइन है वो सभी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और हर प्रकार की आपको हेल्प की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए पर्सनली कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और फ्यूचर नेट टीम से जुड़ने के का जो लिंक है वो सारे सोशल मीडिया लिंक आपको मिल जाएंगे, और कुछ वीडियोस के लिंक हैं तो आप उनको देखिए। और जो फ्यूचर नेट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, सेफ है, स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, और काफ़ी लॉन्ग टर्म रहेगा। आपको दूसरी कंपनी में बार बार ज्वाइन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और फ्यूचर नेट का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड वाइड यूनिक कंसेप्ट है, सेफेस्ट एंड सिक्योर कंसेप्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।